अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बर्ड यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्त कह रहे थे जावा की और डव्स की वीडियोस बनाएं और इनकी ब्रीडिंग जो है किस तरीके से ली जा सकती है, तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। काफ़ी टाइम से बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीड करवा रहे हैं और अलग अलग जो है इन्होंने म्यूटेशन रखी हुई जावा के अंदर और डव के अंदर। तो इनसे पूछते हैं कैसी इनके ब्रीड आ रही है और डाइट वगैरह में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? सबसे पहले बताएं इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया और ब्रीड वगैरह कैसी आ रही है आपके पास? मुझे जावा की फील्ड में तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो और 2 साल में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी ब्रीड है मेरे पास। क्योंकि मैं डाइट बहुत ही स्पेशल दे रहा हूँ और रोज़ाना की बेसिस पर मगोट्स होते हैं, सही लाइव वॉर्म से होते हैं, वो मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ और रोज़ाना सबको ही सर्व कर रहा होता हूँ। सही, जिसकी वजह से ब्रीडिंग बच्चों की हेल्थ और बच्चों का ब्लड लाइन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इनके एवरेज जो है ना वो तकरीबन 7 बच्चे या 8 बच्चे हैं और एक्सेप्शनल केस में 11, 12 बच्चे भी मेरे पास निकलते हैं। सही, मतलब एक पेयर आपके पास 8 बच्चे भी निकाल रहे हैं, 10 या 11 बच्चे भी निकाल रहे हैं। सही, तो अगर आप एक लेवल की बात करें तो 6 बच्चे तो हर किसी में ही है और एवरेज जो है वो 7 की है, मतलब एक पेयर के जो 6 से कम बच्चे किसी पेयर में नहीं है। अच्छा जी, क्या क्या रखा हुआ है आपने थोड़ा सही बताएं? मैंने जावा रखे हैं, जावा में तकरीबन सारी वैरायटी हैं, वाइट जावा भी हैं, फॉन भी हैं, ग्रे भी है, ओपल भी है, अल्बाइनो भी है, ब्लैक हेड रेडी फेस भी है। सही, और ये सारे जावा हैं। और डव में क्या क्या रखा हुआ है? डव में मेरे पास वाइट डव है, रेड वाइट है और सिल्वर वाइट है, कुछ म्यूटेशन लगी हुई हैं अल्टीमेट रेड के साथ, तो क्रॉस ब्रीड करवा रहे हैं। अच्छा, मैंने देख रहा हूँ तो जावा या डफ लगी, इसके आगे की जो बर्ड्स है वो आपने नहीं रखे हुए, तो शौक आपको इसी चीज़ का है? मुझे पिजन फैमिली का शौक। अच्छा, इन्हीं का शौक है, इसके अलावा जो दूसरे बर्ड्स हैं उनका शौक नहीं है? फिलहाल नहीं है। फिलहाल नहीं है, सही। तो अगर कोई व्यूअर्स कोई कॉन्टेक्ट वगैरह करना चाहे जावा वगैरह के हवाले, तो आपके पास कुछ चिक्स वगैरह मौजूद हैं? जी मेरे पास हैं, जिसके भी चिक्स जितने भी चाहिए अवेलेबल हैं। राइट नाउ मेरे पास 100 से ज़्यादा पेयर्स पड़े हैं, 100-200 मतलब चिक्स रखे हुए। चिक्स तो इस सीज़न की ब्रीड है? इस सीज़न की ब्रीड है और अलग अलग एज की हैं, कुछ अभी जस्ट मैंने सेपरेट किया है, कुछ मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले होल्ड किया हुआ था, कुछ 5 महीने के थे, तो अलग अलग एज के जो हैं चिक्स मेरे पास सेपरेट हैं, तो जिनको जिस एज की अगर चाहिए तो वो ले सकते हैं। सही, तो चलिए जी अंदर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कॉलोनीज बनाई हुई है। यहाँ पे कितने पेयर्स आपने लगाए हुए? ये मैं बस सिल्वर के 6-6 पेयर का सेटअप है, ये सब ब्लैक है, डर्टी फेस भी हैं, ओपल भी हैं, अल्बाइनो भी हैं। अच्छा, मिक्स रखे हुए आपने यहाँ पे? मिक्स मैंने म्यूटेशंस रखे हुए और अभी बस रिसेंटली इनको रखा है, अभी 2 पेयर ही ब्रीड का है और बाकी जो हैं, और ये मेरे सिल्वर का सेटअप है। अच्छा, यहाँ पे सिल्वर जावा लगाई हुई है। अच्छा, ये सिल्वर की जो है ना, ये ब्लड लाइन इनकी ऐसी है कि ये जैसे ये सिल्वर के बच्चे हैं। अब इसके अंदर, अच्छा जी माशाल्लाह, अभी सिल्वर के चिक्स आए हुए जी। अब इसके अंदर ओपल के 2 बच्चे, ये देखें, ये रेड आई बर्ड है पहला वाला, ये रेड आई के 2 इसमें आए हैं और बाकी सिल्वर के हैं नॉर्मल। और ये नॉर्मली जो है मेरे पास जितने भी सिल्वर के हैं वो रेड आई बर्ड निकालते हैं। अच्छा, ये तो जो सिल्वर जावे हैं आपके पास ओपल बच्चे भी निकालते हैं? बच्चे ओपल के स्प्लिट भी हैं, ब्लड लाइन उनकी है, स्प्लिट तो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि इनके जितने भी बच्चे हैं वो आपस में पेयरिंग कराएं तो फिर कि बच्चे रिजल्ट उनका ओपल अल्बाइनो का ही है। अभी ये देखें, ये अभी इनके चिक्स निकलना शुरू हुए। अच्छा माशाल्लाह, अभी यहाँ पर इधर हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है, 2 बच्चे निकल गए जी। और अगर मैं आपको सब में ही दिखाऊँ, लोग एवरेज देखें माशाल्लाह, इधर अंडे एवरेज 8 अंडे आए हुए माशाल्लाह। अच्छा, आपने कॉलोनी में 6-6 पेयर्स लगे, 1 by 1 नहीं रखे थे आपने? नहीं, ये 6-6 पेयर्स की असल में मुझे ये 6 पेयर की कॉलोनी ही सूट करती है। माशाल्लाह, इधर भी अंडे आ रहे हैं। और कॉलोनी का साइज़ क्या रखा हुआ आपने? ये 3 by 3 by 2 है, 3 by 3 by 2, उसमें 6 पेयर्स माशाल्लाह से इन्होंने रखे हुए और सारे के सारे ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपके सामने। अभी इनके कुछ चिक्स मैंने अलग किए हैं और इनको दोबारा एक्स पे आएंगे। ये देखिए, इनके अंदर 4 बच्चे हैं और 3 अंडे भी हैं, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, बच्चे भी और अंडे भी मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे चाहें तो उसमें भी दिखा दें, वो
उसमें 10 से 11 अंडे दिए हैं उसने, और एक आज ही। अच्छा जी, यहाँ पे कॉलोनी है और यहाँ पे चिक्स सेल्फ के करीब है जी। अभी मैंने इनकी चिक्स सेल्फ किए हैं, तकरीबन इन सब के मिला के 70 के करीब मैंने अभी अलग कर दिए हैं। 70 चिक्स अलग कर लिए माशाल्लाह। और अभी ये फिर दोबारा इनके सारे चिक्स करना शुरू हुए हैं, और वो देखें वो अंडों की क्वान्टिटी अलग आया था कुछ करना माशाल्लाह। यहाँ पे एग्स वगैरह भी आए हुए। तो इस सीजन की कौन सी ब्रीड आ रही है आपके पास? ये सेकेंड क्लच है। सेकेंड क्लच आ रहा है माशाल्लाह। तो पहले क्लच में कितने पेयर्स आपके पास लगे हुए, कितने चिक्स आपने अलग कर लिए? मैंने तकरीबन अभी जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो 200 चिक्स हैं। 200 चिक्स अलग अलग जा, मैंने कुछ 40-50 पेयर सेल किए। अच्छा, 40-50 पेयर सेल भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इनकी ब्रीडिंग रिजल्ट जो है काफ़ी फास्ट है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, यहाँ पे सारी सिल्वर आपने लगाई थी? ये सिल्वर है, उधर ग्रे है। अच्छा जी, यहाँ पे सारे सिल्वर के पेयर्स आपने लगाए हुए, 6-6 पेयर करके। अच्छा, ये ग्रे भी जो है ना, ये ग्रे भी हमारे ये फॉर्म के स्नेट्स हैं सारे। अभी देखें इसके अंदर फॉर्म का एक बच्चा है, उसके एक सिल्वर का बच्चा भी आया है। तो ये ग्रे के पेयर में से सिल्वर और फॉर्म ओपेल भी निकलता है। अच्छा जी, सारे मिक्स हुए हैं आपके पास? नहीं, ये है ये ग्रे, इनकी ब्लड लाइन जो है ग्रे, लेकिन ब्लड लाइन जो है दूसरी, ब्लड लाइन जो है वो ग्रे भी निकाल रहे हैं और फॉर्म भी निकाल रहे हैं। इनके कुछ बच्चे निकले हुए भी सेल से करीब है बच्चे। ये देखें, ये ग्रे का ही सिल्वर का बच्चा है जो माशाल्लाह से देख सकते हैं। ग्रे से जावा की कॉलोनी है, इसमें से फोन भी बच्चे निकल रहे हैं और सिल्वर भी निकल रहे हैं। ये सिर्फ ब्लड लाइन की है इनकी, क्योंकि ये इनकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। सही है, बज़ाहिर ये ग्रे हैं, लेकिन मुझे हर एक क्लच में, अभी लास्ट क्लच में इसके अंदर से 3 फोन और 3 सिल्वर के बच्चे निकले हैं। 6 बच्चों में 3 फोन थे और 3 सिल्वर थे। अच्छा जी माशाल्लाह, तो ये अच्छी बात है। अच्छा जी, अब इसके आगे चलते हैं माशाल्लाह। यहाँ भी जो है गिरी की कॉलोनी बनाई हुई, गिरी जावा की। ये देखिए, इनके चिक्स जितने भी हैं ना, सबके ब्राउन इनके वैसे ही फोन का इम्पैक्ट इशारा होता है। और इनके बच्चे भी जो हैं ऑलमोस्ट कभी फोन के, कभी ओपेल के और सिल्वर के, अलग अलग चिक्स निकल रहे होते हैं इनके। अभी इनके मैंने बच्चे अलग किए हैं और ये दोबारा अभी अंडों पर हैं, कुछ बच्चों पर हैं। जी, यहाँ भी माशाल्लाह कुछ बच्चे जो सेल्फ के करीब हैं, कुछ सेल्फ कर दिए मैंने अभी, वो मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इस कॉलोनी के अंदर भी बच्चे बाहर आए हुए। अच्छा, ये है अभी इनके कुछ बच्चे हैच हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी कुछ अंडे हैं ऊपर डाल है। ठीक है, आपको प्रोग्रेस वगैरह दिखाई दे जावा की। कुछ बच्चे इनके बाहर आ गए हैं, कुछ अभी अंदर हैं मटकियों में। सही, मटकियों के अंदर आपको चिक दिख रहे होंगे। बाकी इसके अलावा जो डाइट वगैरह है इनकी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्या सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, क्या डाइट वगैरह है, जिसकी वजह से इनके पास इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। ये देखें अभी इसके अंदर अंडों की क्वांटिटी, यहाँ पे अंडे आ गए माशाल्लाह से देख सकते हैं। 8-9 अंडे माशाल्लाह से पेड़ के नीचे मौजूद है। अभी इनके बच्चे जस्ट मैंने सेपरेट किए, अभी इन्होंने अंडे देना शुरू किए हैं। अभी इस पेयर ने 3 अंडे दे दिए। अच्छा, अभी नए नए अंडे देने स्टार्ट कर दिए वापस जी। अभी ये अपने अंडों की क्वांटिटी पूरी करेंगे, 8, 9, 10, 12, 16। तो आपने वगैरह ये के सारे चिक्स वगैरह लिए थे, उसके बाद आपने अलग अलग कॉलोनीज बनाई हैं? ये मैंने पूरा सेटअप जो है ना चिक्स लेकर किया था, मैंने बिल्कुल पट्टे लिए थे। सही। और उन पट्टों को 1 साल तक अपने पास मैंने यंग किया, और उसके बाद उन पट्टों को ही ब्रीड पे लगाया। सही। तो अब ये जो है, जब तक ये सेटअप मेरे पास है, ये फॉरएवर इसी तरह से ब्रीड करेगा। नॉर्मली ब्रीडर पेयर लेने पे ये होता है कि हर कोई अपना वो ब्रीडर पेयर सेल कर रहा होता है जो उसके पास रिजल्ट नहीं दे रहा होता। सही। तो पालने के लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि आप उनके चिक्स लें और चिक्स को एडल्ट करके अपने पास से पेयर करें। लोग लालच के लिए बड़े पेड़ ले लेते हैं यार। एक नॉर्मली एक मिसाल भी है कि अगर आप गरम गरम खाएंगे ना तो मुंह जलेगा। सही। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा सब्र करें, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। देखें, मैंने पट्ठे लिए थे, उन पट्ठों को मैंने सेल करके अपना कैपिटल भी निकाल लिया, और ये सेटअप भी मेरा पूरा अपने घर के ही पट्ठों से फ्री का सेटअप लगा हुआ है। सही। तो हमेशा से यही कोशिश करें कि पट्ठे लें, वो हाफ रेट में मिलते हैं। बाद में अगर आप उनको सेल करते हैं, आपका कैपिटल भी निकल जाएगा और उतने ही आपके पास फ्री में बर्ड्स का सेटअप भी हो जाएगा। सही। और इनकी वैसे ब्रीडिंग एज क्या होती है? ये ब्रीडिंग एज, ये 9 मंथ्स के बाद ये पेयरिंग पे आते हैं, और 10 मंथ्स तकरीबन 11 मंथ्स में ही ब्रीड करते हैं।
सही। चलिए जी माशाल्लाह से वहाँ भी चिक्स रखे हुए सारे यहाँ पे। ये सारे चिक्स अलग किए हुए मैंने, ये होल्ड किए हुए हैं जो थोड़ा काफ़ी एज के हैं अभी, नियर टू एडवेंट। अच्छा यहाँ पे सारी वाइट जब आपने क्या अपने लिए रोकी हुई है? जी सेल के लिए रोकी हुई है, लेकिन ये सारी रोकी हुई है, ये नियर टू एडवेंट है, अभी बड़ों के प्राइस में ही सेल कर सकते हैं। अच्छा जी माशा अल्लाह, यहाँ पे सारी वाइट जब है, ये नीचे सिल्वर है, ये वाइट और कौन है सही। तो अभी जब चिक वगैरह अलग करते हो, नॉर्मल डाइट वगैरह क्या दे रहे हैं आप इनको दाने में? इनके दानों में जो है एक तो वो बारीक करने में बिल्कुल हर बर्ड बर्ड के लिए बारीक कर, अगर कोई भी इसमें वीक होता है या दाना नहीं खाता तो वो इजीली खा लेता सही। बाकी ये वाले दाने में जो है इसमें तकरीबन 13 चीज़ें मिक्स की हुई हैं, 13 से 14 चीज़ें मिक्स, 13 से 14 चीज़ें मिक्स। और ये मैं फॉरएवर पूरे साल यही चलाता हूँ, इसमें कोई सर्दियों में कोई माइनस नहीं करता या गर्मियों में कोई माइनस नहीं करता सही। अच्छा जी पहली कॉलोनी थी, मतलब अलग अलग कॉलोनी थी, अब उसकी साइड पे उस साइड पे भी उन्होंने एक अलग कॉलोनी बनाई है, फिर इधर एक अलग कॉलोनी है, फिर उस साइड पे अलग जो है केजी है। अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, अब इसी के साथ हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पे कौन सी जावा आपने लगाई हुई है? इधर मैंने सिल्वर का ही सेटअप लगाया। अच्छा यहाँ पे सिल्वर लगाई हुई है, तो सिल्वर ज़्यादा लगाने की कोई खास वजह? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो सिल्वर का है। अच्छा जैसे अभी फ़ोन वगैरह का चल रहा है, फ़ोन का चल रहा है, वाइट का भी ऑलमोस्ट तकरीबन मैक्सिमम पे है, लेकिन सिल्वर अभी तक जो है वो बिल्कुल अननोन है सही। लेकिन जब ये सिल्वर की डिमांड होगी तो नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से सिल्वर की ही डिमांड होगी। तो अच्छा आपको कहने का मतलब है कि न्यू पेयर कुछ लगाए थे इनके, कुछ एक कलच आया है, अब ये दोबारा अंडों पे आए हैं, इनके सारे चिक्स अभी नीचे आए हैं। अच्छा यहाँ पे सेल्फ के करीब है चिक्स माशाल्लाह से, सेल्फ के करीब हैं सही। और ये सेटअप है, मैं यहाँ भी सारी सिल्वर लगाई हुई है, इस साइड भी माशाल्लाह से सिल्वर लगी हुई है। तो सिल्वर के वैसे टोटल कितने पेयर आपके पास लगे हुए सेटअप पे? जो ब्रीडर सेटअप है ऑलमोस्ट 65 पेयर्स हैं, 65 पेयर्स लगे हुए माशाल्लाह से। तो सारे के सारे तमाम के तमाम ब्रीडर पेयर है जी। ये देखें ये जैसे एक कॉलोनी है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, तो ये इस वाले सेटअप का सेकंड क्लच है। अब देखें माशाल्लाह से ये सारे अंडे हैं और तकरीबन फर्टाइल है इसमें, सही माशाल्लाह से यहाँ पे एग्स वगैरह आने लगे जी। पहले क्लच जो है बिल्कुल सेपरेट कर लिया, जो चिक्स वगैरह अलग करें वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको चिक्स अभी भी और हैं जो अभी सेल्फ नहीं हुए थे, मैंने उनको अलग नहीं किया। ये देखें लगे। अच्छा इससे पहले वगैरह आपने कुछ और ब्रीड वगैरह करवाए जावा वगैरह रखने से पहले? मैंने फिंचेस रखी हुई थी, फिंचेस का ये अभी नए अंडे दिए हैं अभी इन्होंने, अभी और मजीद ये कंटिन्यू करेंगे अभी, क्योंकि इन सब के बच्चे मैंने अलग कर दिए हैं अभी, अब ये सेकंड क्लच के अंडे देना शुरू किए हैं इन्होंने। अच्छा वैसे इनका जो अभी ब्रीडिंग सीजन है तो इसमें कब तक चलेगा? सर्दियों तक चलेगा या पूरे साल चलता है? अप्रैल मई तक चलेगा, जब तक ये दोबारा मोल्ड पे नहीं आता। ये देखें माशाल्लाह से इसमें चिक्स हैं माशाल्लाह, 5 बच्चे हैं और 2 बाहर निकल गए हैं इनके ना सही। और इसी तरह से अगर आप इनका रिजल्ट चेक करें तो सब में ही तकरीबन किसी में चिक्स हैं किसी में, ये देखें इसके माशाल्लाह से इसमें भी एग्स आए थे। अच्छा इनमें ऐसा है कि जो भी फर्स्ट क्लच पे है ना उनके तो अंडों की एवरेज 5, 6 या 4 है सही, लेकिन जब ये सेकंड क्लच पे आते हैं तो इनका ब्रीड का तकरीबन 8 अंडे 9 अंडे, मतलब पहली ब्रीड में तकरीबन 5-6 अंडे देते हैं, उसके बाद जब ब्रीड सेकंड ब्रीड करते हैं तकरीबन फिर रेशियो जो है इनका थोड़ा बढ़ जाता है। इनका ये सेकंड क्लच है, इनके फर्स्ट के मैंने बच्चे अलग कर दिए थे, अभी देखें इनके अंडों की क्वान्टिटी अंडे 12-13 तकरीबन सारे फर्टाइल हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा ना हो कि फर्टाइल ना हो अंडे सही। अच्छा और ये सारी चीज़ें जो है ना इनके डाइट की वजह से है, क्योंकि इनके प्रॉपर डाइट पूरे साल से ही जो है ना इनको मैंने इसी तरह से लिए। इसके अभी फर्स्ट कलज है, इसमें बच्चे नहीं हैं, अंडे नहीं हैं, मैंने इनको नहीं छेड़ा क्योंकि इनको एक्सपीरियंस हो जाए इससे ताकि नेक्स्ट में जो है वो करें। अगर नॉर्मली लोग क्या कर रहे होते हैं कि कम बच्चे आते हैं तो बच्चों को फोस्टर कर देते हैं, फोस्टर करने से पेरेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर वो बच्चों को पाल नहीं सकती। तो एक दफ़ा अगर आप इनको छोड़ देंगे 3 बच्चे ही ले लें तो नेक्स्ट टाइम वो 8 बच्चे भी पालेंगी सही।
मतलब आप पोस्टर वगैरह नहीं करते जावा के? मैं पोस्टर नहीं करता, मैं किसी भी वर्ड के पोस्टर नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये देखें, इसमें ये सारे बच्चे हैं अभी, इसमें छोटे बच्चे हैं, ये प्रोग्रेस मान लेते हैं यहाँ की कॉलोनी की। अच्छा, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैंने मिक्स वर्ड्स नहीं लगाए हुए। सही, अलग सारे के सारे तो सारे फॉन है, सिल्वर है तो सिल्वर है, वाइट है तो वाइट है। सही, लोग नॉर्मली मिक्स कॉलोनी डालते हैं कि यार मिक्स बच्चे आएंगे तो उन बच्चों की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर अभी आप किसी से फॉन का बच्चा लेकर जाए तो वो ग्रे के बच्चे निकाल रहा होता है, वाइट का लेकर जाए तो वो ग्रे के बच्चे निकाल रहा होता है। सेपरेट रखने से ही होता है, प्योर ब्लड लाइन है और इनके बच्चे भी वही निकलते हैं। अच्छा, आपने कॉलोनी जो है किस तरीके से बने, मतलब छः पेड़ अगर आपने लगाए, मतलब छः मेल और छः फीमेल छोड़ दिया तो राधा पीछे छोड़े थे? छः मेल और छः फीमेल्स मैंने कन्फर्म करके छोड़े थे। बाद में मैंने निशान लगाए थे, बाद में कलर लगाए थे ताकि अगर बाद में पता चले कि अगर कोई मर जाए तो मैं उसको रिप्लेस कर सकूँ। बच्चों को मैंने एक साथ रेडी किया था, बाद में कंफर्म करके मैंने मेल से मेल डाले थे इसमें। सही, मतलब छः छः आपने छोड़े, उसके बाद मांग रहे थे ब्रीडिंग रिजल्ट आपके सामने सारा का सारा। नॉर्मल वही डाइट वगैरह, बाकी सॉफ्ट फूड आपको एंड में दिखाएंगे क्या चीज़ें यूज़ करवाते। अच्छा जी, इसके अलावा और केजेस दिखा रहे हैं हमें, और दिखा देता है। अभी इनके मैंने सारे बच्चे अलग कर दिए, इनके पाँच या छः बच्चे अंदर हैं, अभी दो तीन बच्चे ये अभी सर्च नहीं हुए थे, अभी इन्होंने दोबारा अंडे देना शुरू कर दिया। ये देखें इस कॉलोनी की प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं, इसके अंदर देखें। अच्छा, ये मेरी न्यू कॉलोनी है, अभी इनका ये फर्स्ट क्लच है, इसलिए मैं इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जितने भी अंडे या जितने भी बच्चे निकाल रहे हैं मैं उनको बिल्कुल छोड़ा हुआ है मैंने। अच्छा, आपने मटके भी सिर्फ छह ही लगाई हैं। ये काफी लोग कहते हैं ज्यादा मटके लगा दो या ऐसा कुछ कर दो, यार वो फिर अमूमन ऐसा होता है कि वो कुछ पेयर्स यहाँ अंडे दे रहे होते हैं, कुछ उस पर नहीं बैठते। अभी छह मछलियाँ हैं तो छह पेयर्स के लिए वो इनफ है। सही, अब ये देखें इसमें जो है अभी ये सारे फिश मैंने सेपरेट नहीं किए थे लास्ट टाइम, क्योंकि अभी ये सेल्फ नहीं हुआ, अभी ये सेल्फ के करीब करीब है, उनको भी आप सेपरेट कर लेंगे। जी जी, मैं सेपरेट कर दूँगा। अब जिनको भी मैंने सेपरेट कर दिया था उन्होंने अभी एग्स ले करना शुरू कर दिए। ये देखें माशाल्लाह से आप भी एग्स आने लगे वापस से, पाँच एग्स मौजूद है इस पेड़ के नीचे। ये अभी इन्होंने दो दे दिए, अभी अपने क्वांटिटी पूरी करके फिर उसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, ये था कि मैं एक सीजन के अंदर कितनी दफ़ा ब्रीड कर देता है एक पेयर? ये चार दफ़ा तो कंफर्म ब्रीड करता है एक सीजन में, चार दफ़ा। अगर आपके पास इन्वायरमेंट अच्छा है तो ये जो है ये इन्होंने आठ अंडे दिए हैं। और एक पेयर पूरे साल में तकरीबन कितने बच्चे निकाल लेते हैं? यार देखें, ये सब कुछ मैं आपसे ये बताऊं कि ये डाइट के ऊपर है कि अगर आपका पेयर के ब्लड लाइन क्या है, आप उनको डाइट क्या दे दें तो उससे ही आप ये कंफर्म कर सकते हैं। मीन्स 20-25 के करीब देखिए, मेरे पास एवरेज अगर मैं देखूं तो जितने पेयर्स हैं उस हिसाब से मेरे पास जो बच्चे मैंने सेपरेट करके सेल किए हैं वो छः बच्चों की एवरेज मैंने सेल की है। नॉर्मली लोगों के पास छः बच्चे निकलते हैं, उनमें फिर जो मर गए या फिर सेपरेट करने के बाद मर गए तो उनके पास एवरेज चार की आती है या तीन की आती है। सही, लेकिन मेरे पास एवरेज छः की है, और मैं अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ तो फिर सात सात आठ आठ बच्चे जो है मैंने सबसे लिए हैं। यहाँ पे एक और कॉलोनी है, यहाँ के चिक्स वगैरह इन्होंने जो सेपरेट कर लिए, अभी फिलहाल इनमें एग्स वगैरह नहीं आए हुए होंगे? एग्स आए हुए हैं लेकिन अभी सारे पेयर ब्रीड पर नहीं आए, कुछ पेयर के एग्स वगैरह आ गए हैं, कुछ के बच्चे भी आ गए। जैसे इनमें देखें इनके ये पास कलच है। अच्छा जी, माशाल्लाह से चार बच्चे, चार से पांच बच्चे मौजूद हैं जी। इसी तरह भी एग्स पे हैं, और इनके जो भी लास्ट कलच के मैंने बच्चे अलग किए हैं ना, इनमें से ओपल और अल्बाइनो के बच्चे मैंने सेपरेट किए। अच्छा, तो सिल्वर जावे वो आपके ओपल भी निकाली और अल्बाइनो रेड आई भी निकाल दी? जी जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सेपरेट किया है। मैं ये बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट, अभी अभी रिसेंटली मैंने ये पूरा सेटअप का लगाया है।
इनमें भी माशाल्लाह से रिजल्ट आना शुरू हो गया आने लग गए जी। काफ़ी अच्छी इनके पास प्रोग्रेस आ रही है जावा की। काफ़ी दोस्त कह रहे थे जावा ब्रीड नहीं कर रहा और इनके पास माशाल्लाह से कॉलोनीज बनी हुई है और रिसेंटली जो वीडियो सभी मैं बना रहा हूँ जावा की आपके सामने सबकी प्रोग्रेस सात बच्चे। अच्छा सात या आठ बच्चे जितने भी निकले तो एक पेड़ आराम से पाल लेते हैं बच्चों आराम से पाल लेता है। इवन के दस दस बच्चे भी आराम से पाल लेता है। दस दस बच्चे भी पाल लेता है पेड़। अच्छा अभी जैसे कि सर्दियाँ चली है तो बहुत से लोग कहते हैं इन्हें नहाने के लिए पानी देना ज़रूरी है तो मैं कोई काम नहीं पड़ता, ये नहाती भी हैं और खुद ही अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। इनको ब्रीड लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको आप हवा से बचाएं। सही, अभी आपने पूरा पैक किया हुआ है? मैंने पूरा पैक किया हुआ है, बाहर से भी प्लास्टिक से, अंदर से भी मैंने वेंटिलेशन विंडो को इसको प्लास्टिक से पैक किया हुआ है कि हवा का इंटेक या आउटटेक यहाँ से नहीं हो तो फिर ये है कि ब्रीड बहुत अच्छा करती है। सही, बाकी रात में बल्ब वगैरह भी लगा देते हैं? जी, मैंने वॉर्म लाइट लगाया हुआ है। जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो फिर मैं इन वॉर्म लाइट को ऑन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है केजी वगैरह नॉर्मल रहते हैं, गर्म रहते हैं? बिल्कुल गर्म रहते हैं। ठीक है जी, अब दूसरी कॉलोनी में कौन से बर्ड्स रखे हुए? वो एक मैंने वाइट के 50 पेयर की कॉलोनी बनाई है। चलिए जी, कॉलोनी में आपको दिखाता हूँ।